लगातार बारिश होने से नावाडी गांव के गरीब परिवार का मिट्टी का घर हुआ ध्वस्त। बाल बाल बचे परिवार के सभी लोग। बारिश ने मचाया तबाही। मिट्टी का घर गिरने से बेघर हुए गरीब परिवार के लोग। पीड़ित परिवार ने मुआवजा नहीं बल्कि पंचायत से मुखिया व प्रखंड विकास पदाधिकारी से अब वो आवास योजना का लगाया फरियाद। लोहरदगा जिले के किसको प्रखंड क्षेत्र में बरसाती बारिश ने क्षेत्र में तबाही मचाकर रख दिया है। आपको बता दें कि लगातार बारिश होने से नावाडी गांव के एक गरीब परिवार मुर्तजा अंसारी का मिट्टी का घर गिरकर ध्वस्त हो गया है, जिसे घर में रह रहे परिवार के समक्ष बेघर होने की स्थिति उत्पन्न हो गई है। पीड़ित परिवार के सभी लोग दूसरे के घर में रात गुजारने को मजबूर है। पीड़ित परिवार मुर्तजा अंसारी का कहना है कि घर गिरने के दौरान पीड़ित परिवार के सभी लोग घर में सोए हुए थे। इधर घर ध्वस्त होने से घर में रखा धान चावल वस्त्र बर्तन आदि सामान बर्बाद हो गए हैं। पीड़ित परिवार मुर्तजा अंसारी का हाल चाल पूछने वाला कोई नहीं है। अब देखना है कि गरीब परिवार को अबुआ आवास योजना का लाभ कब तक मिलता है। लोहरदगा ब्यूरो सद्दाम खान की रिपोर्ट। लगातार बारिश होने के कारण जो घर गिरा है और हम लोग बाल बाल बच्चे हैं, हम लोग पूरा परिवार यहीं पर सोए हुए थे। अचानक रात में 3:30 बजे रात में जब आवाज़ सुनाई दिया तो हम लोग उठ कर खड़ा हो गए और घर से भागने लगे। 3:30 बजे रात को हम लोग घर से बाहर निकले, तब तक घर गिर चुका था और हम लोग को जो है सब बहुत परेशानी हुआ। अभी हम लोग घर से बेघर चुके हैं। कौन किस गांव का मामला है? ये गांव है नावाडीह का मामला है, जो यहीं पर हमारा अस्थायी निवासी हैं। घर गिरने से क्या क्या नुकसान हुआ? घर जब गिर गया तो गिरने के बाद तो घर में जितना भी सामान था, बर बर्तन था, सब पूरा टूट फूट गया। खपरा आप देखिए रहे हैं, खपरा पूरा गिर गया है। अनाज था, अनाज पूरा बर्बाद हो गया, भींग गया। कुछ राशन से जो चावल छोड़ाए थे वो राशन पूरा भींग गया। आप अंचल से क्या मांग करना चाहते हैं? अंचल से हम यही दरखास्त करना चाहते हैं कि अब आवास के तहत अगर मुझे अब आवास दे दिया जाए तो इस गरीब परिवार के लिए एक बहुत बड़ा ही जो है सो आसरा का उम्मीद रखते हैं। 365 दिन आपके साथ। अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज। साथ ही लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।